जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ईवीएस क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 27, कोशिश हुई कामयाब का भाग दो। भाग एक में हमने पढ़ा था कि चुस्के जो है एक छोटी सी 10 साल की बच्ची है जो दिव्यांग है। बच्चों, चुस्के जो है बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है। वो सारा दिन खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बनाती रहती है। एक दिन उसके बाबा ने उसके लिए एक पहिया कुर्सी ले लिया है ताकि वो आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप ही जा सके। चुस्के जो है पहिया कुर्सी देखकर बहुत खुश हो गई और उसे जो है उसने बहुत अच्छी तरह बहुत जल्द ही चलाना भी सीख गई। बच्चों, चुस्किट का एक सपना था कि वो भी जो है दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए। चुस्किट जो है रोज बाहर आंगन में बैठकर बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखती रहती थी और उसका भी मन करता था कि काश मैं भी स्कूल जा पाती और बच्चों के साथ बैठकर पढ़ती लिखती और उनके साथ खेलती। बच्चों, एक दिन जो है अब्दुल उसके घर में चिट्ठी लेकर आया और चुस्किट से पूछा, चुस्किट क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट ये सुनकर बहुत खुश लगा। उसे ऐसा लगा कि उसके सपनों को कोई पंख लगा दिया है। उसने कहा, अरे क्यों नहीं, मैं जरूर जाना चाहती हूँ। अब जो है अब्दुल चुस्किट के लिए क्या करेगा? बच्चों, चलिए हम आगे के पार्ट में पढ़ते हैं। कोशिश हुई कामयाब भाग दो, एक उपाय। अब जो है अब्दुल सोच लिया था कि कैसे भी करके चुस्किट को स्कूल तक ले जाना है। तो अब्दुल ने क्या उपाय सोचा? अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। फिर क्या था, वह हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। अब्दुल जो है चुस्किट से घर से निकल गया। अब वो सारा रास्ता सोचता रहा कि मैं क्या करूं जिससे जो है चुस्किट स्कूल जा पाए। वह स्कूल गया और सबसे पहले हेडमास्टर साहब से बात किया, उसके बाद सभी शिक्षकों से बात किया और सबको इस बात के लिए मनाया कि चुस्किट जो है स्कूल आना चाहती है, उसे जो है स्कूल में पढ़ना है, उसका जो है एडमिशन जरूर होना चाहिए। अब उन सब का एक ही काम था कि चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। अब अब्दुल ने अपनी बात जो है सभी से मनवा लिया था और सब राजी हो गए कि ठीक है, हम कैसे भी करके चुस्किट को स्कूल लेकर आएंगे। इसके लिए जो है सब ने रास्ता भी ढूंढ लिया कि पहले जो है चुस्किट के घर से स्कूल तक के रास्ते को ठीक करना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों, आप लोगों को पता ही था कि रास्ता जो है वहां का पथरीला है और ऊबड़ खाबड़ भी है, तो सबसे पहले उस रास्ते को जो है समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गए। अब हेडमास्टर सर, शिक्षक, उनके साथ बाकी बच्चे भी मिल गए और बच्चों की एक टोली जो है सबसे पहले उसके घर के सामने वाले जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था उसको ठीक करने में लग गए।
नदी के पास वाली जमीन को और बच्चों की दूसरी टोली जो है नदी के पास वाली जमीन को समतल करने में लग गए। परंतु अभी एक समस्या और थी, चुस्केट नदी कैसे पार करेगी? लेकिन रास्ता तो समतल कर देंगे, लेकिन तब भी एक बड़ी मुश्किल थी कि चुस्केट जो है नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्केट जल्दी ही स्कूल जाए। अब नदी कैसे पार करें, इसके लिए बच्चों ने जो है शिक्षकों से मदद लिया और सबने यह तय किया कि उस नदी में लकड़ी के फट्टे की पुल बनाया जाए। और सभी बच्चे चाहते थे कि चुस्केट जो है जल्द से जल्द स्कूल आए। तो सभी बच्चे जो है हंसते खेलते पुल बनाना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते नदी में जो है पुल बन गया। चुस्केट के अमाले और आबाले भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गरम गरम चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। बच्चों, जब बच्चे, हेडमास्टर सर, शिक्षक सभी इतनी मेहनत और इतनी कोशिश कर रहे, तो चुस्केट के आमाले और बाबाले भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने जो है जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे उन सबको चाय पिलाए और बिस्कुट भी खिलाए। वहीं बैठे चुस्केट के मेमेले की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। तो वहीं पर जो है चुस्केट के मेमेले यानी कि दादाजी भी बैठे थे। उनकी आंखों में जो है उस समय खुशी के आंसू थे। इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, क्योंकि एक बार जो है उसके मेमेले ने कहा था कि चुस्केट सपना देखना छोड़ दो, लेकिन वो जो है अपने मन से नहीं कहा था। अब जो है वो बहुत खुश थे। किसके लिए बच्चों? चुस्केट के लिए, क्योंकि चुस्केट का सपना तो पूरा होने जा रहा था। शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश थी चुस्केट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था। सभी बच्चों ने मिलकर जो काम किया बच्चों, वो शाम तक जो है सारा काम पूरा हो गया। रास्ता जो है समतल हो गया, नदी में पुल बन गया। अब जो है चुस्केट आराम से पहिए कुर्सी के द्वारा अपने स्कूल पहुंच सकते थे। सभी बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन था बच्चों? चुस्केट, क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो रहा था। और आज वह दिन आ ही गया। चुस्केट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। और इस तरह बच्चों सभी ने मिलकर जो है चुस्केट को स्कूल तक पहुंचाने का काम को खत्म किया। और आज जो है चुस्केट बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रही है, क्योंकि उसे स्कूल जो जाना था। ये देखिए बच्चों, कैसे जो है सबने मेहनत करके उसके घर से स्कूल तक का रास्ता बनाया। बच्चों, लहरों से डरकर कभी नाव पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, ये कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि सबकी कोशिश के द्वारा चुस्केट का सपना पूरा हुआ और आज वो स्कूल जा रही है। तो बच्चों, चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। बताओ, प्रश्न है, चुस्केट किस किस की मदद से स्कूल पहुंच पाई? उत्तर है, चुस्केट, अब्दुल, स्कूल के बच्चों तथा स्कूल के शिक्षकों की मदद से स्कूल पहुंच पाई। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर तुम
अब्दुल होते तो तुम क्या क्या करते? बच्चों जिस तरह अब्दुल ने जो है चुस्केट के लिए इतना कुछ किया, तो अगर आप अब्दुल होते तो आप क्या क्या करते? उत्तर है, यदि मैं अब्दुल होता तो मैं भी चुस्केट को स्कूल पहुंचाने में अब्दुल की तरह ही मदद करता। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुम्हारे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं? बच्चों हर स्कूल में जो है आजकल सीढ़ियों के साथ जो है उसी के बगल में रैंप बनाया जाता है। ये देखिए बच्चों, इसे जो है रैंप कहते हैं। रैंप में जो है पहिया कुर्सी बहुत आसानी से जो है चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सीढ़ी में जो है पहिया कुर्सी नहीं चढ़ सकती है। इसलिए जो है आजकल हर स्कूल में और ऑफिस में भी इस तरह रैंप होता है। ठीक है, तो उत्तर है बच्चों, हाँ मेरे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बना है। इस रैंप के द्वारा आसानी से जो है पहिया कुर्सी को जो है इस पर चढ़ाकर ले जा सकते। अगला प्रश्न है, चुस्केट स्कूल तो पहुंच गए, पर स्कूल के अंदर उसे कुछ परेशानियां हो सकती है, कौन कौन सी? अगर तुम चुस्केट के दोस्त होते तो उसकी मदद कैसे कैसे करते? बच्चों चुस्केट जो है स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन उसे जो है स्कूल पहुंचने के बाद बहुत सारी मुश्किल हो सकती है, तो वो क्या क्या मुश्किल आ सकती है उसके सामने, चलिए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है, चुस्केट को स्कूल में घूमने में, एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाने में तथा खेलने में परेशानी हो सकती है। हाँ चुस्केट जो है एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाने में उसे परेशानी होगी, उसे जो है खेलने जाने के लिए भी परेशानी होगी, सीढ़ी होगा, सीढ़ी से जो है पहिए कुर्सी को आसानी से नहीं चलाकर ले जा सकते। अगर तुम चुस्केट के दोस्त होते तो तुम क्या करते? मैं चुस्केट को उसके व्हील चेयर पर स्कूल में घुमाता, उसके साथ स्कूल के मैदान में खेलता तथा खेलने में उसकी मदद करता। तो अगर आप चुस्किट की दोस्त होते तो आप क्या क्या करते? हाँ व्हील चेयर पकड़कर उसे सारा स्कूल में घुमाता, उसके मैदान तक उसे खेलने लेकर जाने में भी मदद करता और उसे खेलने में भी मदद करता। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने घर के आसपास की इमारतों को देखो, क्या उनमें पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? बच्चों आपके घर के अगल बगल जो बिल्डिंग है, क्या उसमें जो है पहिया कुर्सी को अंदर ले जाने की सुविधा है, यानी कि रैंप या कुछ ऐसी सुविधा है जिससे आराम से जो है पहिया कुर्सी को अंदर ले जा सके? नहीं, उन घरों में पहिए वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा नहीं है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं ना बच्चों, उसमें लिफ्ट होता है, लिफ्ट में जो है आराम से पहिए कुर्सी के द्वारा हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं, और सीढ़ी के द्वारा तो नहीं जा सकते। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही हो, क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहोगे, कैसे? उत्तर है, हाँ मेरे घर के पास एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता है क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। मैं उसके माता पिता को समझाऊंगा कि उसे स्कूल भेजे, मैं उसे स्कूल जाने में मदद करूंगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रैंप और पहियों वाली कुर्सी का चित्र कॉपी में बनाओ। बच्चों ये है पहियों वाली कुर्सी और ये है रैंप। पहियों वाली कुर्सी में बच्चों देखिए, यहाँ पर नीचे में दो
पहिए लगे हुए हैं, जिस पर बैठकर जो है पहिए को हाथ से चला चला कर जा सकते हैं। और बच्चों ये है रैक, इस पर जो है पहिए कुर्सी को आराम से चढ़ाकर ले जा सकते। बच्चों उत्तर है, आपने अभी जो चित्र देखा उसे जो है आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उस पर लिखना है रैक और पहियों वाली कुर्सी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करना है, ठीक है। तुम भी अपना एक पुल बनाओ, इसके लिए सामान तुम्हें अपने आसपास ही मिल सकता है, जैसे आइसक्रीम की डंडियां। आप लोगों को बच्चों एक पुल बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चों? आइसक्रीम की डंडियां, प्लास्टिक के चम्मच, छोटी डंडियां, रस्सी, सुतली आदि। अपने सारे दोस्तों को भी पुल बनाने के लिए कहो। इन सब चीजों से जो है बच्चों आपको एक पुल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक छोटा सा पुल का मॉडल जो है मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोग भी इसकी मदद से जो है अपने घर में जो है एक पुल बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आप समूह के साथ मिलकर एक मॉडल बनाओ। मॉडल में खेत, नदियां, पर्वत, सड़क और रेल की पटरियां बनाओ। इसके लिए तुम चिकनी मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, टहनी आदि काम में ले सकते हो। बच्चों आप लोग को जो है एक छोटा सा मॉडल बनाना है और इस मॉडल में आप लोग को क्या क्या दिखाना है बच्चों? खेत दिखाना है बच्चों, इसके अलावा नदियां दिखाना है, पर्वत दिखाना है बच्चों, सड़क दिखाना है, रेल की पटरियां दिखाना है। इन सभी चीजों को जो है अपनी मॉडल में आपको दिखाना है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? चिकनी मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, कंकड़ पत्थर के टुकड़े चाहिए, टहनी आदि चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह आप सभी दोस्त मिलकर जो है एक मॉडल को तैयार करना है और इस मॉडल में जो है अलग अलग जगहों पर जो है पुल भी बनाकर रखना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप सभी इस मॉडल को बनाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, चुस्किट और उसका स्कूल। चुस्किट को जो है स्कूल पहुंचाना है। बच्चों चुस्किट जो है यहाँ पर है और चुस्किट का स्कूल जो है यहाँ पर है, तो हमें जो है चुस्किट को सही रास्ते से जो है स्कूल में पहुंचाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम चुस्किट को जो है स्कूल पहुंचाते हैं। बच्चों चुस्किट जो है यहाँ पर है बच्चों, तो हमें जो है चुस्किट को उसके स्कूल पहुंचाना है। तो चलिए बच्चों हम स्कूल पहुंचाते हैं चुस्किट को। ये देखिए बच्चों चुस्किट जो है स्कूल पहुंच गई है, ठीक है। बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरह जो है चुस्किट स्कूल पहुंचती है। अब्दुल और हेडमास्टर सर, टीचर्स और बच्चों की मदद से, और इस तरह जो है चुस्किट का सपना पूरा होता है। बच्चों हर बच्चे को सपने देखना और जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में दिव्यांग जो है हमेशा से कमजोर रहे हैं। कुछ गलत फहमियों और डर के कारण बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और उन्हें जो है हर छोटी छोटी चीजों के लिए जो है दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों यदि इन दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का
मौका दिया जाए तो वे भी बाधाओं को पार करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बच्चों, जिस तरह सुधा चंद्रन और सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्होंने जो है अपनी कोशिश और मेहनत और अपने परिवार वालों की सपोर्ट के द्वारा जो है अपना नाम जो है पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है, ये इनकी कोशिश का ही फल है। वे भी जो है चुस्केट की तरह जो है दिव्यांग थे, वे चल नहीं सकते थे, लेकिन आज वे दुनिया भर में मशहूर है। बच्चों, हर साल 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ये दिव्यांग दिवस बच्चों क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाने का मुख्य मकसद दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। बच्चों, हम सबको समझना होगा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। हमें जो है बिना भेदभाव के उनके जीवन में सहारा देने की कोशिश करनी होगी, जिससे वे भी समाज के अन्य लोगों की तरह अन्य लोगों के साथ शामिल होकर बेहतर काम कर सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।